मैं जानती हूँ कि आज आप सब लोग यहाँ पर मिस्टर देवव्रत रायचंद को सुनने आए थे, लेकिन उन्होंने आप सबसे बात करने की जिम्मेदारी मुझे दी है। क्या मजाक बना रखा है ये? अब कोई भी एरा गेरा आकर यहाँ पर भाषण देगा? I'm sorry, Mr. Jay. स्टार भारत के सीरियल ना उम्र की सीमाओं में एक तरफ जहां विधि ने अपने पति देवराज के बिजनेस की कमान संभाल ली है और उसके स्पीच को सुनकर जय को गुस्सा आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विधि के मम्मी पापा खतरे में हैं। लेके जाऊंगा मैं ये घर, जल के हो जाएगा राख और उसके साथ मेरे इस गुनाह का सबूत और गवाह भी स्वाहा। जल के होगी राख और मैं बनूंगा करोड़पति। और विधि के मम्मी पापा को बचाने के लिए ही देवराज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ पहुंच गया है विधि के घर में, और देखिए कैसे सिखा रहा है बदमाशों को सबक। नहीं, नहीं भैया, भाई, आइए आइए, देवराय चंद जी आइए, स्वागत है आपका। आपके स्वागत में बहुत बड़ा हवन चल रहा है। हाँ, मैं मानती हूँ कि देव जी से उनकी इंडस्ट्रीज छीनी गई है, लेकिन उनका अस्तित्व उनसे कोई नहीं छीन सकता। उनमें आज भी वही पोटेंशियल है जो पहले था। राख से खड़े हो उठने का जज्बा उनसे कोई नहीं छीन सकता। मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला, और मुझे पूरा यकीन है कि वो एक दिन फिर से चमकेंगे। थैंक यू। देवता बंदर है, पकड़ सब चाहिए उन्हें। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमारी माता की मूर्ति भी अंदर है। हमें मैं जानती हूँ कि आज आप सब लोग यहाँ पर मिस्टर देवव्रत रायचंद को सुनने आए थे, लेकिन उन्होंने आप सबसे बात करने की जिम्मेदारी मुझे दी है। क्या मजाक बना रखा है ये? अब कोई भी एरा गेरा आकर यहाँ पर भाषण देगा? I'm sorry, Mr. Jay. मैं मानती हूँ कि आप काफी बड़ी हस्ती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि बाकी सब छोटे। पैसे लौटा रहा हूँ ना आप तो फिर मुझे। आज तो माता की मूर्ति लेके जाऊंगा मैं, ये घर जल के हो जाएगा राख और उसके साथ मेरे इस गुनाह का सबूत और गवाह भी स्वाहा। जल के होगी राख और मैं बनूंगा करोड़पति। नहीं भैया, भाई, आइए आइए, देवराय चंद जी आइए, स्वागत है आपका। आपके स्वागत में बहुत बड़ा हवन चल रहा है। हाँ, मैं मानती हूँ कि देव जी से उनकी इंडस्ट्रीज छीनी गई है, लेकिन उनका अस्तित्व उनसे कोई नहीं छीन सकता। उनमें आज भी वही पोटेंशियल है जो पहले था। राख से खड़े हो उठने का जज्बा उनसे कोई नहीं छीन सकता। मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला, और मुझे पूरा यकीन है कि वो एक दिन फिर से चमकेंगे। थैंक यू। देवता बंदर है, पकड़ सब चाहिए उन्हें। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमारी माता की मूर्ति भी अंदर है। हमें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और पेटियां।